थाने से इगतपुरी जा रही ट्रेन में देखिए किस तरह से हाजी अशरफ मुन्यार को बेइज्जत किया जा रहा है। कुछ युवा लगातार उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। यह वीडियो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं दोस्तों, क्योंकि हर पंक्ति में एक बुजुर्ग मुसलमान को गालियां दी जा रही हैं। उनका गुनाह, क्योंकि ये युवा उन पर यह आरोप लगा रहे थे कि इन बर्तनों में आपके पास गोमांस है। हाजी अशरफ मुन्यार कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूं और इसमें गोमांस नहीं है और गोमांस था भी नहीं। जिस भी जानवर का मांस था महाराष्ट्र के अंदर उसे खाने की इजाजत है, मगर मुद्दा यहां गोमांस का भी नहीं है दोस्तों। मुद्दा यह है कि आपने एक अकेले बुजुर्ग को देखा, एक अकेले मुसलमान बुजुर्ग को देखा और उसके साथ गुंडई और दादागिरी करनी शुरू कर दी। बेरहमी से उनको मारा जा रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री हरियाणा में एक और शॉकिंग मिसाल सामने उभर कर आई है। गोमांस खाने और रखने के आरोप में एक मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया गो रक्षक दलों ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने इस पर दुख जतलाया है। प्रधानमंत्री आप ही के शब्द थे ना जब आपने ये कहा था कि ये जो गोरक्षक हैं ये लोग गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, दरअसल सही मायने में गुंडा हैं। ये आप ही के शब्द थे। आपने राज्य सरकारों से ऐसे गोरक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। क्या हुआ आपका वादा? लगातार इस देश को नफरत में ढकेला जा रहा है और यह नफरत, मेरे मन में इतना सभी शक नहीं है, यह नफरत उसी नफरती राजनीति का परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, मुख्यमंत्री आए दिन अपने चुनावी मंचों में कहते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, खबर क्या कहती है हाजी अशरफ मुन्यार वाले मामले में? आपकी स्क्रीन पर, मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण और इगतपुरी स्टेशन के बीच एक मेल ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई करने वाला चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर यात्रियों के एक समूह ने गोमांस का शक जताते हुए धुले एक्सप्रेस में बुजुर्ग की पिटाई कर दी। इस मामले में ठाणे जीआरपी में एफआईआर दर्ज करने के लिए रेलवे के पुलिस कमिश्नर ने आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। इनमें से यह व्यक्ति जो है वो पिटाई कर रहा था, इसका नाम आशु अभाड़ बताया जा रहा है, जो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चला है। मैं चाहूंगा आप सुने हाजी अशरफ मुन्यार कह क्या रहे हैं। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके पास जो बर्तन थे उसमें गाय का मांस नहीं था, जिस भी जानवर का मांस था उसे खाने की इजाजत महाराष्ट्र में है। मगर हाजी अशरफ मुन्यार को टारगेट इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक मुसलमान है। मारने वाली भीड़ को इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि तुम एक बुजुर्ग को मार रहे हो, और उनकी जान भी जा सकती थी। देखिए किस दर्द से गुजरे हैं हाजी अशरफ मुन्यार। आंखों के दोनों साइड में इतना पूरी तरह मारा, शर्म है अभी भी, हाँ, पूरी, हाँ, मेरी आंख के ऊपर पूरा खून से लाल हो चुकी है, मेरे को नज़र भी कम ही आ रहा है उससे। अच्छा। उससे नज़र भी कम आ रहा है। वो होने के बाद में जब ट्रेन वहाँ से शुरू हुई कल्याण से, मेरे को उतरने नहीं दिया गया। जब से कल्याण से जो मारपीट शुरू हुई, गंदी गलती गालियाँ देने लगी, और मेरे को वो बीफ की जो थैली थी वो उन्होंने अपने पास के चाली। एक बार पूछूंगा, बीफ था या भैंस का गोश्त था? भैंस का गोश्त, भैंस का गोश्त। और उनका इल्जाम था बीफ का? बीफ का जी, जी, पूरा भैंस का गोश्त था। अच्छा अच्छा, एक फिर कल्याण से आगे आपको उतरने नहीं मिला, आगे क्या हुआ? हाँ, कल्याण से उतरने नहीं मिला, मेरे को पूरा मारपीट किए, मेरे साथ में इतना गंदी गलत गाली गलौज किया, और उसके अलावा इतना बुरी तरह झपटी लूटमार भी की। हाँ, लूटमार भी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे जेब में 2800 रुपया था। अच्छा, 500-500 की 5 नोट थी और 100-100 के 3 नोट थी। अच्छा, मेरे साथ में वो पैसे भी उन्होंने छीन लिया मेरे पास से, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अच्छा, और मेरा स्विच ऑफ करके मोबाइल दे कर रहे हैं वीडियो, मेरे को मोबाइल मेरे पास से मोबाइल ले लिया, यानी रॉबरी हो गई। अच्छा, मोबाइल लेने के बाद में मेरे को बोला इसका लॉक खोलो, मेरे से लॉक खुलवाया, और लॉक खुलवाने के बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर मेरी पूरी शूटिंग ली, और वो पूरी शूटिंग मेरे भी कर दी, मेरे मोबाइल से ही वायरल कर दी। अच्छा, जिस वक्त वहाँ कल थाना स्टेशन आया, मैं थाना स्टेशन में अपनी जान बचा के स्टेशन से मैं उतरने की कोशिश किया, मेरे को उतरने नहीं दे रहे थे।
इस सफर के दौरान कोई लड़के ऐसे बोल रहे थे कि इसको चालू ट्रेन के अंदर से इसको फेंक दो, इसको काट डालो, इसको फेंक दो, इसका माँ से ये भी फेंक दो। मेरे को बार बार कोशिश कर रहे थे, वो गेट तक मेरे को लेके गए, लेकिन कुछ लोग थे समझदार, अरे नहीं बाबा ये बुजुर्ग आदमी है, उसको पर थोड़ा दया करो। बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र पुलिस हाजी अशरफ मुन्यार के साथ बदतमीजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगी? हकीकत यह है कि आज महाराष्ट्र या देश के अलग अलग हिस्सों में गौरक्षा के नाम पर या जिस तरह से भीड़ मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को मौत के घाट उतार देती है ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति का परिणाम है और ये मैं साबित करने वाला हूं। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा हरियाणा में जो हुआ। इस तस्वीर में देखिए किस तरह से दो लोगों को बेरहमी से गौरक्षक मार रहे हैं। आरोप इनके पास गोमांस था। खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के चरखी दादरी में गोरक्षक समूह की दरिंदगी सामने आई है, जहां पर एक शख्स की गोमांस खाने के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें गोरक्षक दल के युवक दो लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, लेकिन गोरक्षक किसी की नहीं सुनते। पुलिस के मुताबिक ये 27 अगस्त की घटना है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिग, 2 किशोरों को भी पकड़ा गया है। मैं चाहूंगा दोस्तों आप सुने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी क्या कहते हैं। कहते हैं ऐसे मामलों में गांव वाले रुकते कहां हैं। सबसे पहली बात, गांव वाले उन गौ रक्षकों को रोक रहे थे, तो गलत बयानी मत कीजिए। दूसरी बात, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आपके मुंह से ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता। अगर उन पर कोई आरोप थे तो उसकी जांच कानून करता। आप यह नहीं कह सकते कि गांव वाले कहां रुक सकते थे। क्या आप उस हत्या को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं सैनी साहब? सुनिए नायब सैनी क्या कह रहे हैं। माओ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, इनको कौन रुकता है फिर, उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण। अपने आप में ये बयान कई सवाल खड़े करता है दोस्तों, मगर ये मत सोचिए कि ये आइसोलेटेड बयान है। नहीं, मुख्यमंत्री बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस बात का आभास कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लिहाजा अगर एक अपराध हो रहा है तो उस पर टिप्पणी करनी है, मगर फिर गौ रक्षकों से जुड़ा जो समूह है उसे भी संबोधित करना है। मगर आज मैं नायाब सैनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में दिया गया बयान कि किस तरह से गौ रक्षक सही मायनों में अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं। मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री के शब्द हैं, आइए सुनते हैं। मैं कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे, और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयं से भी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो
70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए, सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। मगर ये मत सोचिए दोस्तों, ये जो दो घटनाएं हुई हैं जो आपके सामने आई हैं, ये घटनाएं आइसोलेशन में नहीं, इसकी जमीन पिछले 10 सालों से लगातार तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं वो अनर्गल बयान देते हैं। आपके सामने ये है गिरिराज सिंह का बयान, मुसलमानों को यहां रहने दिया गया ये सबसे बड़ी गलती हुई, जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था फिर मुसलमानों को यहां क्यों रहने दिया, अगर उन्हें मुसलमानों को यहां रहने ना दिया गया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आई होती। सबसे पहली बात, अगर मुसलमान यहां ना होते ना तो भारतीय जनता पार्टी ना होती, भाजपा राजनीति किस मुद्दे पर करती, सबसे पहली बात। कितना शर्मनाक और घटिया बयान है, इस देश ने हमने मुस्लिम राष्ट्रपति देखे हैं, सुपरस्टार्स देखे हैं जिनका मजहब इस्लाम है, मुसलमानों का शानदार योगदान रहा है इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की संस्कृति के प्रति, मगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना नेता इस तरह के बयान देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री ने तो मानो जंग छेड़ रखी है देश के मुसलमानों के खिलाफ। कभी वो कहते हैं कि मैं मियां भूमि नहीं बनने दूंगा, कभी वो एक मुसलमान पत्रकार की पहचान के आधार पर उस पर अनर्गल बयान देते हैं, और फिर यहां देखिए कि मैं बाबर और औरंगजेब को टाइट करने आया हूं। सुनिए क्या कहा उन्होंने, अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है, तब उसमें फायदा क्या है, तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही तो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। हेमंत बिस्व शर्मा को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ना बाबर ना औरंगजेब दोनों जिंदा नहीं है, दोनों दफन है किसी कब्र के अंदर, उन्हें जिंदा करने की कोशिश आप और आपकी सोच कर रही है। आप क्यों डर रहे हैं बाबर और औरंगजेब से, वो तो जिंदा भी नहीं है, उनकी सोच से अधिकतर भारतीय इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं, मगर क्या वजह है कि आपको बाबर और औरंगजेब बार बार याद आते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मगर सुनिए शुभेंदु अधिकारी यहां क्या कह रहे हैं। शुभेंदु यहां कहते हैं कि मेरा विश्वास नहीं है सबका साथ सबका विकास में, जो मेरे साथ होगा मैं उसी का साथ दूंगा, और भाजपा में माइनॉरिटी नेता की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं, अमरजीत बो हिंदू बचाबो संविधान बचाबो और बोलबो आमियो बोले छी राष्ट्रवादी मुस्लिम, अपनाराओ बोले छन सबका साथ सबका विकास, और बोलबो ना बोलबो जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा, भलो थकून, जय श्री राम। आपके स्क्रीन्स पर टी राजा सिंह महाराष्ट्र में गली गली घूमकर मुसलमानों को गाली दे रहे थे, माहौल को बर्बाद कर रहे थे, यही आप इगतपुरी में देख रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों वो शॉकिंग घटना जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ने 4 लोगों को कैमरे पर एक ट्रेन के अंदर मौत के घाट उतार दिया था, और मौत के घाट उतारने के बाद वो योगी और मोदी को वोट देने की बात कर रहा था। वो वीडियो कितना शॉकिंग था दोस्तों, वो नफरत जो हमारी नसों में भरी जा रही है वो अपराध के तौर पर सामने उभर कर आ रही है। सबसे शॉकिंग दोस्तों, एक सांसद संसद में खड़े होकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। सुनिए क्या कहा था रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के बारे में। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब, सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज,
योर सीट। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इसी अभी रोड पढ़ रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 परीक्षण। मगर ये मत सोचिए दोस्तों कि ये सिर्फ किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता या भाजपा के किसी सांसद की सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार वोट हासिल करने के लिए शमशान कब्रिस्तान में डिबेट की बात कही थी। हाल ही में वोट हासिल करने के लिए वो इतने डेस्परेट हो गए थे, इतने बौखला गए थे कि मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, घुसपैठिया, इन तमाम तरह के शब्दों से नवाजा था। याद है कि आप भूल गए, सुनिए क्या कहा था। देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि जो हरियाणा में हुआ या जो धुले एक्सप्रेस में हुआ, ये अपवाद नहीं है, ये उस राजनीतिक संस्कृति का नतीजा है जो हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। उनके बच्चे आईसीसी के अध्यक्ष बनते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग काउंसिल के अध्यक्ष बनते हैं, उनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, उनके बच्चे बीसीसीआई के अध्यक्ष या सदस्य भी बनते हैं, मगर आपके बच्चे जो हैं दंगाई बन रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। इत्तेफाकन जो आशु अभाड़, जिसने उस बुजुर्ग की बेइज्जती की थी, उसे थप्पड़ मार रहा था, यह व्यक्ति पुलिस का एग्जाम देने जा रहा था। सोचिए, अगर इनकी भर्ती पुलिस में हो जाएगी तो क्या हम इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह से समाज को बर्बाद किया जा रहा है, नफरत समाज की नसों में भरा जा रहा है और इससे किसी का फायदा नहीं है। ये मत सोचिए कि आपने मुसलमान को टाइट कर दिया, उसका इलाज कर दिया, नहीं, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदू को बेवजह डरा रहे हैं, बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, और एक डरा हुआ व्यक्ति, एक भड़का हुआ व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान तो निशाने पर हैं, मगर सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू की सोच को हो रहा है। वो हिंदू जिसकी सोच को तुम बर्बाद कर रहे हो, उसे डरा कर, उसे धमका कर, कोई नहीं सुधरने वाला है दोस्तों। मगर इस मंच पर हम आवाज उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।